आज मजोत्रा प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी, हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे लोग हैं उनको जगाने के लिए, उनकी भावनाओं को ये बताने के लिए, उनको उजागर करने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रखा है कि आज हमारे 370 और 35A के जो दफा थी उसको ख़त्म करने के मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये वायदे किए थे कि हम जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के लिए बहुत सी स्कीमें लाएंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे। तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कल देख करके कि वो जम्मू के खासकर लोग बड़ा जश्न मना रहे थे, हमें शर्म आती है इस बात को देख करके कि हमारे चाहे 4G हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई का ताल्लुक हो, चाहे हमारे नौजवानों की नौकरियों का ताल्लुक हो, चाहे गरीब लोगों पर अत्याचार का मसला हो, चाहे हमारे किसानों के साथ जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जहां टोल प्लाजे लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के टैक्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, यहां हमारे जो रिजर्वेशन है, चाहे वो बैकवर्ड की 27% रिजर्वेशन थी, 15% शेड्यूल्ड कास्ट की, 20% शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो सेंट्रल लॉज के मुताबिक मिलनी, कोई भी कानून जो जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सकता है वो कोई भी कानून उन्होंने जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा छीनने के बाद यूनियन टेरिटरी में कोई लागू नहीं किया, जिससे हमारे गरीब समाज, खासकर बैकवर्ड समाज, शेड्यूल्ड कास्ट बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हम गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहते हैं कि आप देखिए महंगाई कितनी है, कहाँ आप मिलिटेंसी का क्लेम कर रहे हैं, एक साल में ये जश्न मनाने वाले बताएं कि कौन सी मिलिटेंसी कम हुई है, कौन सी लोगों को मुलाजमत दी गई है, कौन सी किसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये बात उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गरीब समाज की बात सुने और हमारे जम्मू कश्मीर का दर्जा जो है वो वापस दें, क्योंकि यहाँ की अफसरशाही इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो चुकी है कि वो किसी गरीब की आवाज़ सुन के राजी नहीं। हम चाहते हैं कि इनका अकाउंटेबिलिटी, जो हमारे पंच सरपंचों को उन्होंने वायदे किए थे कि हम आपको पावरें देंगे, किसी बात पर भी ये लोग पूरे नहीं उतरे।